रवि भारद्वाज जी, आइए हमसे जानकारी लेते हैं, भगवान गौतम बुद्ध की जानकारी लेते हैं। सर, पूरे देश के आप तो विश्व भगवान गौतम बुद्ध को उनके जो विचार हैं उन पर चल रहे हैं, लेकिन हमारा भारतवर्ष ही एक ऐसा है जो भगवान गौतम बुद्ध के विचारों पर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि इसकी तरक्की भी नहीं हो रही है, लेकिन जो भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को माना है वो आज देश तरक्की कर रहे हैं। ये तो कोई दो राय नहीं है कि जो भगवान बुद्ध की फॉलोइंग पे या उनके कहे हुए बात पे नज़र पे चलते हैं उनकी तरक्की है। हिंदुस्तान में अपने एक अलग तरह के प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को ऊपर उठना हो रहे हैं। आज आप देखिए कितनी बड़ी गैदरिंग हुई है, हम 35 साल से थे अकेले कर रहे थे, अकेले ही करते थे, 35 साल में कभी इतनी गैदरिंग नहीं हुई। आज हमें यह आश्वासन मिला है लोगों से जो आए हैं, जिनको ये आस्था है, जिनके बुद्धा के बारे में, ये और तरक्की करेगा, आने वाले वक्त में ज़रूर उठेंगे हम। सर, भगवान गौतम बुद्ध की कुछ जो विशेषताएँ हैं उनको बताएं। उनकी विशेषता तो सबसे बड़ी है कि करुणा की है, कंपैशन की है, इसलिए द्वेष नहीं करना, मतलब लोभ नहीं है। आप एक अच्छा इंसान बनिए, बुद्धिज्म क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे तो आप अंदर से अगर अच्छे बनेंगे तो बाहर से अपने आप ठीक होना शुरू हो जाए, जिसको कहते हैं इनसाइड आउट से आप अंदर से अच्छे बनिए, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।